भारत चीन के एलएसी पर जारी विवाद के बीच भारत का बड़ा बयान आया है। भारत ने चीन के साथ तनातनी पर साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में जो जानकारी दी है वो आपको भी जानना चाहिए। भारत सरकार ने कहा है कि भारत और चीन के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तरों पर बातचीत जारी रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि भारत और चीन के बीच चर्चा होने से एक दूसरे की स्थिति को समझने में मदद मिली है। भारत और चीन की सीमा मामलों पर वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की बैठक 18 दिसंबर को ही थी। पूर्वी लद्दाख में चीन से लगते वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 5 मई यानी पिछले करीब 8 महीने से तनातनी जारी है। ऐसे में कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए भारत अपनी तैयारियों पर भी खूब जोर दे रहा है। यही कारण है कि चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी लेह पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने अधिकारियों के साथ मुलाकात की, साथ ही अन्य जरूरी तैयारियों का भी जायजा लिया था। सैन्य प्रमुख ने रिचिन ला इलाके में जवानों से मुलाकात की, वहां की तैयारियों को परखा। इस दौरान उन्होंने स्थानीय तैयारियों की भी तारीफ की। अपने इस दौरे के दौरान सेना प्रमुख ने फॉरवर्ड लाइन का दौरा किया, जहां फायर एंड फ्यूरी के जवान मौजूद थे। स्थानीय अफसरों ने सेना प्रमुख को सभी तैयारियों, आने वाली चुनौतियों से अवगत कराया। आर्मी चीफ ने वहां टैंक ब्रिगेड की तैनाती का भी जायजा लिया। इसके साथ ही सेना प्रमुख ने वहां मौजूद जवानों को क्रिसमस और नए साल की बधाई दी, साथ ही मिठाई और केक भी सौंपी। इससे पहले भी विवाद जब अपने चरम पर था, तब भी सेना प्रमुख ने कई बार लेह लद्दाख पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया था। भारत और चीन के बीच करीब अप्रैल से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन नवंबर के बाद से ही दोनों देशों में कोई बात नहीं हुई है। दोनों ही देशों ने क्रमबद्ध तरीके से सीमा से अपने जवान हटाने का प्लान भी बनाया है। हालांकि अभी तक विवाद पूरी तरीके से नहीं निपट पाया है। दोनों ही देशों की सेनाएं आधा दर्जन से अधिक बार बातचीत की टेबल पर आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी किसी ठोस नतीजे का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।